अच्छा, हम जरी की जिंदगी पे आते हैं. कैसे उमर भाई से मिली थी, कैसे प्यार हुआ था? सबसे पहले तो यही हुआ कि ज़ाहिर है मेरे वालिद की जब डेथ हुई तो मैं भी यंग थी, 16 साल की मेरी उम्र थी. तो उस टाइम बैठ के जैसे होता ना कि ख़ानदान वाले एकदम गायब हो जाते हैं सब के, भाई अब ये पांच, क्योंकि हम पांच बहनें एक भाई, मेरा भाई भी 4 साल का था जब अब्बू की डेथ हुई. तो वो होता है कि यार अब कहीं ये सब हमें ही ना संभालना पड़ जाए. तो फिर वो ख़ानदान आहिस्ता कटना शुरू हो जाता है. पहले अच्छे से मिलते थे, हाँ, उनके तेवर ही बदल जाते. अच्छा, मेरे दिमाग में एक चीज़ थी. तुम सबसे बड़ी थी घर? हाँ, मैं सबसे बड़ी. तो मुझे एक ये सोच थी कि यार ये जो मेरे वालिद साहब के जो पैसे जमा पूंजी है ना, ये ख़त्म होने से पहले मैंने कुछ करना, हाँ, ताकि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े. और लड़कियाँ थी सारी, जाहिर है, हाँ, तो आपको पता है कि फिर आप कोई आपकी मजबूरी से फ़ायदा भी ना उठाए. तो अभी तो जो कुछ है, हाँ, तो उससे पहले करना है. अब अब्बू तो चाहते थे कि CSS करूँ, पढ़ रही थी ज़ाहिर है मैं भी, मैंने भी उस टाइम मैट्रिक किया था और कॉलेज में एडमिशन ले रही थी, ये वो. तो मुझे ऑफर्स बहुत होती थी, जैसे मुझे कोई देखता था, मेरे बाल बहुत लंबे थे, मुझे किसी शैम्पू की ऑफर होती थी, या मैं हाँ थिएटर जाती थी तो मुझे ऑफर होती. तो इसी तरह जैसे गजालाबाजी कह रही हैं वो मुइन साहब के साथ आई, तो मैं भी, मुझे भी मुइन साहब के थिएटर ड्रामे की ऑफर हुई भी थी. तो तुम्हें कैसे देखा था उन्होंने, कहाँ? मैं थिएटर देखने गई थी. मैं देखने गई थी और मैं बैक स्टेज आर्टिस्ट से मिलने गई ना, तो वहाँ जैसे सब ऑटोग्राफ ले रहे थे तो किसी ने मुझसे भी आके बोला ऑटोग्राफ दे. तो मैंने कहा मैं क्यों ऑटोग्राफ दूँ. तो उस पर कुछ आर्टिस्ट बैठे थे, कहेंगे तुम भी आर्टिस्ट लगती हो वैसे, बन जाओ आर्टिस्ट इस तरह. हाँ. अब वो हमें तो एकदम वो हो गया कि यार अबू हयात थे? नहीं, उस वक्त नहीं थे. तो हाँ हाँ, अबू उस टाइम थे. अच्छा, तो खैर, लेकिन उस टाइम तो मना कर दिया कि नहीं नहीं ये पढ़ रही है. अब एक दिन में दिमाग में बैठ गया था यार, मैं ऑफर आई है, ऑफर आई है, और मैं ऑटोग्राफ, और ये एक शौक हो गया कि यार मैं आर्टिस्ट भी नहीं थी, फिर भी मुझे किसी ने आके ऑटोग्राफ लिया और हमने भी फौरन से साइन करके दे दिया. हाँ. तो खैर वो हालात बदले, फिर हाँ. थिएटर की ऑफर हुई मुझे जब अब्बू के उसमें ताज़ियत के लिए लोग आए हुए थे. तो मैंने फिर कहा हाँ, क्योंकि मैंने सोचा कि यार मैं अभी इंटर करूँगी, फिर मैं ग्रेजुएशन करूँगी, CSS कब मैं करूँगी और कब ये सब कुछ मैं सब संभालूंगी. तो मुझे लगा कि नहीं, चलो ये करके देखते हैं. और मैंने, चूँकि मैंने मोइन अख्तर साहब का पहला ड्रामा किया था, वो एक बड़ा ड्रामा, कमर्शियल ड्रामा, और एक अच्छी पे मिली. अच्छा, तुम उमर भाई से कहाँ? हाँ, वो उसी थिएटर में, उसी वही बता रही कि जब मैंने वो ड्रामा कर लिया ना, तो मुझे ड्रामोज बहुत ज़्यादा थिएटर के ऑफर उन्होंने लिए. तो अब हमने 2-3 ड्रामे किए, अब हमने कहा भाई हमारी पेमेंट बढ़ाई जाए. तो उन्होंने कहा जी पेमेंट तो उस आर्टिस्ट की बढ़ती है जो उमर शरीफ के साथ ड्रामा करता है. मैंने कहा क्यों? कहेंगे जो आप उमर शरीफ के साथ खड़े होते हैं ना स्टेज पे, तो पब्लिक की डिमांड बन जाते हैं कि यार उमर शरीफ के साथ ये आर्टिस्ट है. तो जब आप डिमांड बन जाएगी तो आपकी पेमेंट बढ़ जाएगी. हाँ. अब मैंने कहा जी मुझे उमर शरीफ के साथ ड्रामा करना है. उमर शरीफ साहब उस टाइम जो है 94 में, वो तो लाहौर 92 में लाहौर जा चुके थे, वहाँ उनका लाहौर थिएटर था. मगर ईद का ड्रामा करने उमर ईद पे हमेशा कराची आते थे. ये उमर ने कराची वालों से वादा किया हुआ था, ईद बकरा ईद दोनों ईदें उमर कराची पे करते. तो हमने कहा कि भाई हमें उमर शरीफ के ड्रामा करवा दीजिएगा इस ईद पे. तो कहा भाई अच्छा, उमर शरीफ का एक मसला ये था कि उमर अपनी टीम बना के पहले से भेजते थे कि यही आर्टिस्ट होगा. हाँ, लॉबी थी पूरी. हाँ, इसलिए हाँ. क्योंकि उमर के साथ हर कोई परफॉर्म भी नहीं कर सकता. हाँ. आपको पता है वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं. हाँ. तो हर आर्टिस्ट उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता था. और अगर आपकी टाइमिंग गलत है या आपने क्यों गलत दे दिया, तो उमर तो स्टेज पे ही बेइज्जत करते थे. हाँ. तो हर नहीं उनके साथ, तो उनकी एक टीम बनी हुई थी. फिर कैसे तुम एंटर हुई? तो बस फिर वो मैंने कहा भाई मिलवा तो दे. तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उमर का ड्रामा था मामू मजाक मत करो, जिसपे इंडिया में एक फिल्म भी बनी है, मुन्ना भाई MBBS. हाँ. वो मेरा पहला ड्रामा था. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर ने मुझे देखा, तो बल्कि वो मुझे ही देखते रहे. तो फिर मैंने आर्टिस्टों ने मिलाया कि हमारी नई आर्टिस्ट है. तो उमर कहेंगे अच्छा ठीक है देख लेंगे. तो ड्रामा, पहले ड्रामे में, बल्कि अगर आप वीडियो देखेंगे भी ना, तो उसमें उमर कह रहे हैं तुम्हारी तो अब शादी मुझसे ही होनी. और उसके एक्स्ट्रा बोल रहे हो और मैं सिर्फ स्टेज पे गालाबाजी नहीं देखा, मैं सिर्फ हंस रही होती थी. क्योंकि उमर हर ड्रामे, अब सोचो 15 दिन ड्रामा, एक ड्रामा 15 दिन. अब 15 दिन उमर शरीफ ने यही बोलना है कि तुम्हारी शादी तो मुझसे होगी, और मैं हंस रही हूँ और पब्लिक भी देख रही है हंस रही है. और एंड में पब्लिक से पूछते थे बताओ जोड़ी कैसी लग रही. ओह, और पब्लिक तो उन्होंने मोहब्बत का इजहार पूरी दुनिया के सामने ऐसे स्टेज पे ही कर दिया. मजाक में. अच्छा मैं भी उसे मजाक ही समझ रही थी, मुझे लगा कि उमर के ड्रामा में ऐसा होता है, सिचुएशन होगी, मस्ती होगी. लेकिन खैर फिर जब हम उमर का ड्रामा करने इस्लामाबाद गए, तो उमर बुजुर्गान दीन का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये वो. तो हम बड़े इमाम सरकार पे उमर पहले हाजिरी देते थे, फिर लंगर वगैरह करके फिर उमर ड्रामा करने जाते. हम वहाँ गए
तो वहाँ मजार पे खड़े होकर उमर ने कहा कि मैंने तुमसे शादी करनी। तब मुझे हुआ कि नहीं यार ये तो कुछ सीरियस बात है, क्योंकि यहाँ उमर मजाक नहीं कर सकते। तब मैं थोड़ी सी घबरा गई, मैंने कहा कि अच्छा रिश्ते मेरे बहुत थे, बेतहाशा गुरूर भी बहुत कि नहीं भाई ये कैसे शादी। तो मैंने कहा अच्छा मुझे थोड़ा जो है ना सोचने का टाइम दे, क्योंकि उमर को मना करना भी इतना आसान नहीं था। वैसे भी इसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा था, जो मैं बता रही हूं ना तो खैर इस तरह से टाइम मांगा, और इत्तफाक ही हुआ कि उसके कुछ ही टाइम के बाद उमर चले गए उमरे पे, उनका एक शो था जद्दा में, उसके बाद फिर वो उमरे पे गए। उमर ने मुझे वहां से फोन किया कि मैं बिल्कुल काबा शरीफ के सामने खड़ा हूँ और अजान हो रही है, पहले तुम अजान सुनो। मैंने अजान सुनी, फिर कहने लगे तुम दुआ मांगो, मैंने दुआ मांगी। कहने लगे अब मैं यहाँ खड़े होके कह रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल अल्लाह के घर के सामने खड़े होके कहना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आज हाँ या ना कह। अब वो वक्त ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि ये उमर शरीफ नहीं, मैं नहीं, ये फिर अल्लाह का ही फैसला है कि एक इस उस घर से उमर मुझसे पूछ रहे हैं। तो फिर मैं मना नहीं कर सकी और फिर इस तरह। और देखो कुछ भी है, तुम घर में सबसे बड़ी थी, अब्बू का इंतकाल हो गया, कुछ भी है, आपको एक सहारे की जरूरत होती है, कोई एक मर्द। फाइनेंशियली जरूरत इसलिए सेंस में नहीं थी, क्योंकि माशाल्लाह मैं इतना काम कर रही थी, मेरे पास थिएटर और मेरे पास शोज और टीवी, मेरे पास इतना होता था कि मैं बहुत, जैसे मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी, उमर का साया साथ जरूर रहा, लेकिन की मैंने खुद ने, मैंने खुद ने अपनी बहनों की शादी की है, उमर ने बड़ा भाई कह लें, बाप बन के उनके सर पे हाथ रखा, हर जगह साथ रहे, और बिल्कुल मेरी बहनों को उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा।